एपीटीवी भारत आवाज देश की। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने सिटी एसडीएम ममता सारस्वत के नेतृत्व में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक महिला अंजू देवी को उसके जीजा उमेद सिंह जाट के साथ गिरफ्तार किया है। महिला और उसके जीजा को कोतवाली पुलिस ने कलेक्ट्रेट से कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया है। दरअसल झुंझुनू की गुढ़ा तहसील के दूडिया गांव की रहने वाली आरोपी महिला अंजू देवी ने लगभग डेढ़ साल पहले महिपाल सिंह व राम सिंह पर 376 की धारा में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था और अब महिला ने महिपाल को अपना साथी बनाने की एवज में अपने बयान बदल कर उसको बचाने के लिए 20 लाख रुपए की मांग की थी और आखिरकार 6,30,000 रुपए में सौदा तय हो गया था। पीड़ित महिपाल ने 1,00,000 रुपए पहले महिला अंजू देवी को दे दिए थे और बाकी बची 5,30,000 रुपए की रकम कोर्ट परिसर में देना तय हुआ था, जहां महिला अंजू देवी और उसके जीजा उमेद सिंह जाट को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। 5,30,000 रुपए अपने कब्जे में लेकर बयान बदलने की एवज में धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। परिवादी ने कम्प्लेंट की थी कि 376 के मुकदमे के अंदर एक महिला है जो उससे मतलब उसके पक्ष में बयान देने के लिए यानी हॉस्टाइल होने के लिए रुपयों की डिमांड कर रही है, तो इस तरह की शिकायत हमारे पास आई थी, तो हमने इस शिकायत का सत्यापन किया तो शिकायत सच पाई गई और उस जो आरोपी महिला है और उसका एक जीजा है उसको गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने यह बताया था कि 6,50,000 रुपए में उनकी कोई डील होनी बताई थी और उसमें से 1,00,000 रुपए परिवादी के अनुसार वो 1,00,000 रुपए पहले से दे चुका था और आज मौके पे 5,50,000 रुपए उसने और दिए थे। एपीटीवी भारत के लिए झुंझुनू से नीरज सैनी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।